नमस्कार दोस्तों, टेक्निक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ गूगल पिक्सल 4a स्मार्टफोन के बारे में। बताऊंगा आपको सारी स्पेसिफिकेशन के बारे में और साथ ही बताऊंगा इसकी क्या प्राइस हो सकती है मार्केट में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के भी बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसा देखने के लिए मिल जाता है हमें गूगल की तरफ से आने वाला गूगल पिक्सल 4a, जो कि हमें मार्केट में अप्रैल के एंड या फिर मई के मिड में देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे जल्दी से फोन के ओवरव्यू की। तो यहाँ पे नीचे की तरफ हमें यूएसबी टाइप सी पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, साथ ही यहाँ पे दो स्पीकर ग्रिल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। वही फोन के टॉप पे हमें यहाँ पे 3.5mm का हेडफोन जैक देखने के लिए मिल जाता है, साथ ही यहाँ पे माइक्रोफोन भी दिया हुआ है। वही फोन के राइट साइड में यहाँ पे पावर लॉक अनलॉक बटन और साथ ही यहाँ पे मिल जाता है वॉल्यूम रॉकर। वही फोन का जो लेफ्ट साइड है वो पूरा खाली दिया हुआ है। वही डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे हमें जो है पंच होल डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है, जो कि 5.81 इंच की ओएलईडी स्क्रीन है, जो कि फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आती है। और साथ ही हमें यहाँ पे जो है गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी देखने के लिए मिल जाती है। और अभी फोन में ये कन्फर्म नहीं है कि इसमें हमें जो है 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलता है या फिर 90 हर्ट्ज। वही फोन के बैक साइड में हमें यहाँ पे जो है 12.2 मेगापिक्सल का एक रियर कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाता है और साथ में दी हुई है एलईडी फ्लैश। वही नीचे की तरफ हमें यहाँ पे जो है फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने के लिए मिल जाता है। वही फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का एक पंच होल सेल्फी कैमरा दिया हुआ है, जिसका फील्ड ऑफ व्यू है 84 डिग्री। वही वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहाँ पे हम जो है 720p पे 240 फ्रेम पर सेकंड पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं 1080 पे 30, 60 और 120 फ्रेम पर सेकंड पे वीडियो को रिकॉर्ड कर पाएंगे। और यहाँ पे हमें जो है 4K वीडियो का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, जो कि हम 30 फ्रेम पर सेकंड पे कर सकते हैं। वहीं फ्रंट फेसिंग कैमरे से हम यहाँ पे जो है 1080p पे 30 फ्रेम पर सेकंड पे वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। उनके बैक कैमरे में हमें यहाँ पे EIS और OIS का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। वहीं बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो यहाँ पे हमें जो है 3080 mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि 18 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ में आती है। और इस फोन में हमें यहाँ पे स्नैपड्रैगन 730 वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा। फोन वही दो कलर्स में अवेलेबल होंगे, एक होगा ब्लू और दूसरा होगा ब्लैक। वही फोन के दो वेरियंट अवेलेबल होंगे, एक होगा 6GB प्लस 64GB, दूसरा होगा 6GB प्लस 128GB। अब बात करते हैं यहाँ पे इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस जो इंडियन मार्केट में हो सकती है वो हो सकती है 30,000 के आसपास। और ये स्मार्टफोन जो है एप्पल के स्मार्टफोन को टक्कर देने वाला है आईफोन SE 2020 को, क्योंकि उसकी प्राइस भी जो है यहाँ पे 30,000 के आसपास होने वाली है। उसमें हमें जो है एप्पल की तरफ से आने वाला चिपसेट देखने के लिए मिल जाता है, जो कि है A13, जो कि एक बहुत ही पावरफुल चिपसेट है स्नैपड्रैगन 730 से। और एप्पल का जो आईफोन SE 2020 है, ये फोन भी जो है इंडियन मार्केट में इसी मंथ में लॉन्च होने वाला है, तो दोनों में हमें जो है काफी अच्छी बैटल देखने के लिए मिल सकती है। बाकी आप मुझे बताइए, क्या ये गूगल का स्मार्टफोन वाकई आईफोन के स्मार्टफोन को टक्कर दे पाएगा या नहीं, बताना जरूर मुझे नीचे कमेंट करके। दोस्तों बस आज के फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम किसी एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।